हेलो फ्रेंड्स, सेवा फ्रीजर स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में खासकर उन लोगों बच्चों के लिए जो बच्चे एम्स कल्याणी में पढ़ना चाहते हैं या जो बच्चे एम्स कल्याणी में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कितना आपको पैसा पे करना पड़ेगा, और बाकी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको पूरी मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, और हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कॉलेज में जल्द से जल्द एडमिशन ले लेंगे। तो चलिए बात करते हैं एम्स कल्याणी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी लोकेशन वाइज बात करें तो ये जो वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, वो भी वेस्ट बंगाल में बसंतपुर कल्याणी। जी हाँ दोस्तों, बसंतपुर नाम की जगह है, वहीं पर ये आपको कॉलेज स्थित है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और पढ़ाई लिखाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। रहने सहने खाने पीने का कुछ भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ईयरली जो फीस है वो आपको कितनी पे करनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं एडमिशन चार्ज, ट्यूशन चार्ज, इन सबको मिला के बता रहा हूँ कि आपको वन ईयर का लगभग 1600 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ेगा, यानी कि 1600 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ सकता है। बाकी जितने भी ऑल इंडिया में एम्स है, आप लोग जानते होंगे कि अगर आपको उससे एडमिशन चाहिए तो आपको ऑल इंडिया कोटा से ही अप्लाई करना होगा। स्टेट कोटा में एम्स की सीटें नहीं आती हैं, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा और ऐसा मत सोचिएगा कि मैं स्टेट कोटा से एम्स के लिए अप्लाई कर पाऊंगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। ऑल इंडिया कोटा से ही आपको अप्लाई करना होगा। साथ ही साथ में फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो एम्स कल्याणी है इसका कट ऑफ कितना जाता है सेकेंड राउंड में या लास्ट राउंड तक, अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम रैंक कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जनरल कैटेगरी के बच्चे से। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मिनिमम जो रैंक होना चाहिए वो लगभग 4200 के आसपास, यानी 4200 के आसपास अगर आपका रैंक होगा तभी आपको इसमें जो एडमिशन मिल सकता है वो भी काफ़ी आसानी से, और इसके आगे पीछे भी है तो भी कुछ कुछ चांसेस बनेंगे। ऑल इंडिया में यहाँ पर रैंक की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के ऑल इंडिया रैंक कम से कम 4200 होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं EWS के बारे में। तो EWS की जो रैंक है वो लगभग 5500 होगी तभी आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उन लोगों का अगर 5500 के आसपास रैंक है तो वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं SC और ST के लिए। तो SC के लिए यहाँ पर आपको चाहिए 33000 ऑल इंडिया रैंक, और ST के लिए चाहिए 58000 ऑल इंडिया रैंक। बच गया दोस्तों OBC कैटेगरी, तो OBC के लिए भी 5500 ही, जितना EWS के लिए उतना OBC के लिए ही यहाँ पे आपको रैंक ऑल इंडिया होनी चाहिए तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और ध्यान ये रखना है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से ही अप्लाई करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, पढ़ाई लिखाई वाइज आप लोग जानते हैं कि एम्स टॉप कॉलेजेस में आता है पूरे ऑल इंडिया में, और इसमें से भी एक एम्स कल्याण भी बहुत ही अच्छी कॉलेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कॉलेज में काफ़ी आसानी से एडमिशन ले लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम बाकी हॉस्टल और मेस चार्ज का। मैंने जो आपको वहाँ पे फीस बताया था कि ईयरली 1628 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और साथ में हॉस्टल और मेस चार्ज आपको मेस 6 मंथ्स का आपको एडवांस में पे करना पड़ता है, तो उस समय आपको टोटल 28000 रुपये के आसपास पे करना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 28000 हॉस्टल प्लस मेस का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, इस बात का भी आपको खास ख्याल रख। फिर उसके बाद आप मेस का मंथली चार्जेस पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में।